आचार्य चाणक्य की ये पांच बातें बदल सकती है आपकी तकदीर, मुश्किल से भी निकलने में करेंगी मदद। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में आपने जो भी प्लानिंग बनाई है उसके बारे में किसी और से बात नहीं करनी चाहिए, इससे सामने वाला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। संकट के समय व्यक्ति को कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। चाणक्य की नीति के अनुसार जब संकट आता है तो चुनौतियां भी काफी पड़ जाती हैं और अवसर बहुत कम होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। जीवन में कोई भी रणनीति बनाने से पहले एक बार उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में सोचें, इसके बाद ही उस काम को शुरू करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ता है वो बड़ी आसानी से हर मुश्किल को पार कर लेता है। आपकी ज्यादा ईमानदारी आपके लिए मुसीबत बन सकती है, इसलिए ईमानदारी उतनी ही रखनी चाहिए जितने में कि किसी का नुकसान ना हो। कई बार ज्यादा ईमानदारी के चक्कर में लोग अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, इसलिए ज्यादा सीधा बनने से भी बचें। जीवन में सफलता पाने के लिए असफलता के डर को भगाना बेहद जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि असफलता का डर हावी हो जाने के बाद मनुष्य कभी असफल नहीं हो सकता। ऐसे में सफल होने के लिए आज ही अपने मन से असफल होने के डर को निकाल फेंकें।